Hello, good morning, India. मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो गुड मॉर्निंग इंडिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम कर रहे हैं अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी, जो कि आरआरबी का जेई एग्जाम, जिसके अंदर हम लोग जो है वो हिस्ट्री को कवर अप कर रहे हैं, और साउथ इंडिया हिस्ट्री है जो कि हम लोग कवर कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि साउथ इंडियन हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एक बार पढ़ने वाली बात है, एक बार पढ़ना जरूरी है। एक बार आप पढ़ लेंगे, नोट्स को अपने फोल्डर में, मोबाइल फोल्डर में रख लेंगे, तो उसके बाद में रिविजन करने में आपको कोई जोर नहीं आएगा। और यकीन मानिए, आपके कई सारे एग्जाम में कई सारे सवाल है जो कि सही होंगे। तो उम्मीद है कि आप आरआरबी का जो क्रैश कोर्स है उसको भी रेगुलर ज्वाइन कर रहे होंगे, जो कि कल रात को, आपको मालूम है, कल रात को 9 से 11 के बजे के बीच में होता है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर रहे होंगे और आप काफ़ी बेनिफिट उठा रहे होंगे। साथ में जो है, आज सुबह जो है आपकी क्लासेस चली रही है रेगुलर आरआरबी जेई की, तो इनको देखिएगा, आपके एग्जाम के अंदर बहुत काम आएगी। और टेस्ट सीरीज के लिए मैंने आपको बताया दिया था, अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करके आप वहाँ से टेस्ट जो है वो लगा सकते हैं। वाईफाई स्टडी का कूपन कोड लगाओगे 10% ऑफ भी मिल जाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं सातवाहन डायनेस्टी की, यानी कि साउथ इंडिया का जो दूसरा पार्ट है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मैंने कल आपको बताया था कि ये पूरा एरिया है जो कि सातवाहन डायनेस्टी के द्वारा उस टाइम पे कैप्चर किया गया था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, सातवाहन के टाइम पे क्या हुआ दोस्तों कि डेक्कन इंडिया वाला जो साउथ इंडिया है ना, साउथ इंडिया के अंदर सातवाहन तो हुआ ही करते थे। पुणे से महाराष्ट्र वाला जो एरिया है, आंध्र प्रदेश वाला जो एरिया है, ये सातवाहन के पास में हुआ करता था। और मौर्य एम्पायर जब खत्म हुआ, उसके बाद में सातवाहन जो है वो अपना धीरे धीरे एरिया को और बढ़ाते गए और आगे तक लेके जाए। यहाँ पे सबसे फेमस जो रूलर थे सातवाहन के अंदर, वो सतकर्णीज जो है वो बहुत फेमस थे। ठीक है, ज़्यादातर जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है दोस्तों, वो कई सारे स्टोरीज से मिलती है। कई सारे कॉइन है जो कि उस टाइम पे सिल्वर कॉइन, कॉपर कॉइन, वो सब है जो कि उस टाइम पे बनाए गए थे। ओरिजिन जो है सातवाहन का, वो आज तक किसी को पता नहीं है, वो मिस्ट्री है टोटली, वो टोटली अभी तक मिस्ट्री है। और लेकिन उनको बोला जाता है कि वो ब्राह्मिन्स हुआ करते थे, ठीक है, और मदर के नेम पर खुद का नाम है जो कि रखा करते थे। जो कॉइन इशू करे गए सातवाहन के द्वारा, वो दो बायलैंग्वल लैंग्वेज में हुआ करते थे, ठीक है, जैसे कि प्राकृत लैंग्वेज में भी होते थे और साथ में किसी दूसरी साउथ इंडियन लैंग्वेज में भी हुआ करते थे। और बुद्धिज्म को जैसे कि बाकी राजाओं ने बहुत प्रमोट किया, उन्होंने भी बहुत प्रमोट किया। नागार्जुना, कोंडा और अमरावती जो है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर जो है वो बन चुके थे सातवाहन किंगडम के टाइम पे। सबसे पहले अगर यहाँ पे बात करें तो शिमुक की बात करें तो ये फाउंडर माना जाता है। शिमुक जो है ये फाउंडर माना जाता है सातवाहन वंश का, और बोला जाता है कि उसने शुंग डायनेस्टी को हराया था। शुंग थे ना मौर्यास वाला एरिया के अंदर, उसको हराया था और कई सारे लोगों की मदद लेके कई सालों तक जो है उसने वहाँ पर राज किया। उसके बाद में आता है कान्हा, सेकेंड रूलर सातवाहन डायनेस्टी का। ओके, और उसके बाद में कौन आता है, शिमुका का बेटा सतकर्णी प्रथम। सतकर्णी प्रथम दोस्तों बेटा था किसका, शिमुक का, और काफी बड़ा रूलर है जो कि सातवाहन का माना जाता है। ठीक है, नागानिका नेम है जो कि उसकी क्वीन का था, जो कि उसने लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ जो है उसको डिस्क्राइब किया था। ओके, तो काफी नीचे तक जो है इन लोगों ने अपना एम्पायर जो है वो बना लिया था। सतकर्णी प्रथम के बाद आते हैं सतकर्णी द्वितीय। सबसे ज्यादा टाइम तक किंग जिन्होंने रूल किया वो यही थे सातवाहन के अंदर। ठीक है, हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन है दोस्तों, हाथी गुम्पा कहाँ पे, करवेला के अंदर, तो वहां पे दोस्तों इन्हीं के बारे में, सतकर्णी द्वितीय के बारे में ही बता रखा है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी ध्यान रखना है।
इसके अलावा सत्कर्णी द्वितीय के बाद में यहाँ पे आते हैं लामो बो धरा, फिर अपिलाक, ऐसे कई सारे रूलर हैं, और उसके बाद आता है एक हाला। ठीक है, हाल का बात करें तो ये बहुत ही मेजर किंग था सतवाहन का, जो कि 17वां किंग है सतवाहन डायनेस्टी का माना जाता है। ठीक है, जो गत सप्ताह साथी है जिसको गह सताशी कहते हैं, लव थीम के ऊपर जो बेस्ड है, वो कंपाइल जो है वो हाल के द्वारा ही किया गया था, पराकृत के अंदर किया गया। लीलावती जो टेक्स्ट है उसके अंदर भी इसके बारे में बता रखा है। ठीक है, बहुत ही छोटा सा किंगडम जो है, इसके रूलर जो है आसपास काफी छोटे छोटे रूलर जो है वो भी काफी इंप्रेस थे, काफी एक्सपेंशन सतवाहन ने किया था। ठीक है, लेकिन सत्कर्णी द्वितीय के बाद में क्या हुआ, इसके बाद में जो है ना वो एम्पायर और एक्सटेंड कर नहीं पाया एक्चुअली के अंदर। ठीक है, उतना एम्पायर जो है आगे इसके बाद में बढ़ नहीं पाया। फिर आते हैं गौतमी पुत्र सत्कर्णी। गौतमी पुत्र सत्कर्णी ने क्या किया दोस्तों, 2nd सेंचुरी में वापस से रिवाइव किया, वापस से जो है काफी बढ़िया अपने एम्पायर को आगे बढ़ाया, डिस्ट्रॉयर ऑफ शाखा पल्लवा युवाना पावर को सबको हरा के इसने वापस से पावर जो है वो ला दी सत्कर्णी, इसकी सतवाहना की पावर को वापस से ला दिया। नासिक के अंदर इंस्क्रिप्शन है, उसके अंदर गौतमी के जो है उसके अंदर उसके अचीवमेंट है जो कि बता रखे हैं कि उसने कई कई जगह के ऊपर जो है अपना एरिया जीता है। ओके, तो कई जगह का राजा जो है उसको बताया गया है और उसको टाइटल दिया गया राजा राजा का, और महाराजा का टाइटल भी उसको मिला। ओके, तो ये बात भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। फिर आता है पुलुमाई द्वितीय। पुलुमाई द्वितीय की बात करें तो ये वस्ती पुत्र इसको कहा करते थे, और गौतमी पुत्र सत्कर्णी जो है उनका बेटा था ये, और फादर के जैसे बेटा भी काफ़ी बढ़िया रूलर था, काफ़ी बढ़िया इसने एम्पायर को आगे तक लेके गया। जो गिरनार इंस्क्रिप्शन है रुद्र दमन का, वहाँ पे जो है उसमें लिखा हुआ है कि रुद्र दमन डिफीटेड द दक्षिणी पति सत्कर्णी ट्वाइस। तो रुद्र दमन ने जो है डिफीट किया था दक्षिण पति सत्कर्णी को दो बार, लेकिन उसको मारा नहीं क्योंकि दोनों के बीच में काफी बढ़िया फैमिली रिलेशन हुआ करते थे। ठीक है, रुद्र दमन की जो बेटी थी उसकी शादी हुई थी पुलुमाई द्वितीय से। ओके, तो ये यहां पे इस वजह से यहां पे लिखा हुआ है। तो पेपर में पूछते हैं कई बार गिरनार इंस्क्रिप्शन के बारे में, तो ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये रुद्र दमन के ऊपर बेस्ड है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। उसके बाद में जो रूलर्स हैं ना इनके, जैसे कि मैंने आपको कौन कौन से रूलर्स बताए हैं, मैं आपको एक बार वापस से रिवाइज करवा देता हूं। मैंने अभी आपको यहाँ पे सतवाहना में कौन कौन से रूलर बताए दोस्तों, सतवाहन के अंदर शिमुख, फिर कान्हा, फिर सत्कर्णी प्रथम, फिर सत्कर्णी द्वितीय, हाला, फिर उसके बाद में गौतमी पुत्र सत्कर्णी, उसके बाद में हो गए पुलमाई द्वितीय जो कि अलग राजा था, उसके बाद में आते हैं यहाँ पे लेगेसी ऑफ सतवाहना किंग। तो यहाँ पे सतवाहना किंग की बात करें तो आर्यनिज्म को काफी बढ़ावा दिया भारत के हुआ करते थे, कई सारे कॉइन इन्होंने पब्लिश करे प्राकृत लैंग्वेज के अंदर, और दूसरी साइड जो है वो दूसरी तेलुगु या कन्नड़ लैंग्वेज जो कि काम में लिया करते थे। हिंदू भगवान जो है राम कृष्ण इनकी पूजा किया करते थे, बुद्धिज्म को भी काफी प्रेज किया करते थे। नागार्जुना कौंड और अमरावती मैंने आपको बताया बुद्धिस्ट सेंटर थे उस टाइम पे, है ना। और ठीक है, इसके अलावा तो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। तो सतवाहना का जो एडमिनिस्ट्रेशन था सतवाहन का काफी सिंपल था और मौर्य से काफी इंस्पायर्ड था, रिलीजन को काफी प्रोटेक्ट करते थे और डिवाइन एट्रीब्यूट्स पे बिलीव रखते थे, एशियन गॉड की क्वालिटीज जो है उसके ऊपर काम करते थे। ठीक है, और जनपद और उसके बाद में आहारास के अंदर डिवाइड कर रखा था, और इस तरीके से डिवीजन जो है उन्होंने वहां पे कर रखा था। इसके अलावा आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, गौतमीपुत्र सत्कर्णी जो है उसने वापस से रीस्टैब्लिश किया था 4 वर्णा सिस्टम। पेपर में पूछेंगे कि कौन वो पर्सन था जिसने साउथ इंडिया का रूलर जिसने 4-fold वर्णा सिस्टम जो है उसको वापस से लेके आया। ओके, तो सतवाहना के अंदर इसने ऐसा किया था, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन से काफी इन्फ्लुएंस था। ठीक है, इसके अलावा बात करें यहाँ पे गौल मिकास है जो कि एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो रूरल एरियाज में हुआ करते थे। तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ पे बात करें जब हम आते हैं 6th शताब्दी के अंदर, तब यहाँ पे कुछ इस तरीके से हालात हो जाते हैं सतवाहन के बाद में जो है
वो किस तरीके से होते हैं। यहाँ पे तो हो जाता है गंगा एम्पायर, यहाँ पे होता है पल्लवाज, यहाँ पे भी गंगाज, ये कदमबाज है, यहाँ पे छेराज है, पांड्याज है, ठीक है। तो इस तरीके से साउथ इंडिया का इतिहास है और यहाँ पे बदल जाता है, चोलाज इस तरफ के आला एरिया के अंदर है। तो ये जो पूरा का पूरा एरिया है ये किसका, साउथ इंडिया का एरिया, जो कि डिवाइडेड हो जाता है छोटे छोटे एम्पायर के अंदर। ओके, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं और बात करूं यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे आगे बात करते हैं किसके बारे में, सिन्हा विष्णु के बारे में। सिन्हा विष्णु की बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर था। ये देखिए 560 से 9वीं शताब्दी, अब हम आगे आ चुके हैं, अभी मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ, पल्लवास के रूलर के बारे में इस एरिया में, और हम 3री शताब्दी से अभी हम कहाँ पे 6ठी शताब्दी तक पहुँच चुके हैं। 6ठी शताब्दी के अंदर मैंने आपको बताया कि वन इम्पॉर्टेंट पल्लवा रूलर था, और ठीक है, समुद्रगुप्त जो नॉर्थ इंडिया में हुआ करता था तब साउथ इंडिया के अंदर जो है ये लोग हुआ करते थे, यानी कि वही 5वीं सेंचुरी 6ठी सेंचुरी के आसपास की बात है, ठीक है। चोलास का एम्पायर भी इसने ले लिया था लड़ाई करके, और वैष्णविज्म को फॉलो किया करता था। ओके, तो ये श्री विष्णु है जो कि यहाँ पे पल्लव रूलर हुआ करता था। फिर आता है महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन दोस्तों बात करें तो पल्लवाज और चालुकास के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई होती है, और ही वॉज डिफीटेड बाय पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा महेंद्र वर्मन जो है वो हार जाता है और उसका किंगडम जो है वो ऑक्यूपाई हो जाता है, ठीक है। तो श्री विष्णु का जो एरिया था, पल्लव वाला एरिया जो था, जो कि बाद में महेंद्र वर्मन के द्वारा हार गया, किसको, पुलकेशिन द्वितीय को हार गया। फिर आता है महेंद्र वर्मन के बाद में नरसिम्हा वर्मन प्रथम, ये भी बहुत बड़ा पल्लव रूलर हुआ करता था, और सेकंड इन्वेजन जब पुलकेशिन का किया इसने, ठीक है, तब उसको इसने रोका और उसको मार भी दिया, और चालू का कैपिटल जो बदामी है उसको वापस से इसने हथिया लिया। तो पहले तो पुलकेशिन द्वितीय ने इसके बाप को हराया, और बेटे ने जो है वो पुलकेशिन द्वितीय को हराया, ठीक है, ओके। और उसके बाद उसको क्या टाइटल मिला, वातापी कौंड, यानी कि जो कॉन्करर है जो वातापी का, वो उसको टाइटल मिला। ही डिफीटेड द चोलास को हराया, छेरास को हराया, पांड्यास को हराया, और साउथ इंडिया का सबसे बड़ा रूलर जो है वो नरसिम्हा वर्मन प्रथम है, जो कि बन गया। श्रीलंका के अंदर भी ये गया, वहां पे भी इसने अपनी नेवी जो है उसको भेजा, ठीक है, और श्रीलंका को भी अपने कब्जे के अंदर कर लिया। महाबलीपुरम के अंदर इसने कंस्ट्रक्ट करी, कई सारे बिल्डिंग है, और वहां पे हुंस्टैंग जो कांची के अंदर जब आया था वो इसी के टाइम पे आया था। उसके बाद आता है वापस से इसके फादर के नाम पे रखा गया नाम महेंद्र वर्मन द्वितीय का, ठीक है, बहुत ही छोटा सा पीरियड था। और विक्रमादित्य जो पुलकेशिन द्वितीय का जो बेटा था ना, उसने इसको मार दिया, क्योंकि इसके फादर ने उसके फादर को मारा था, तो पुलकेशिन द्वितीय के बेटे ने किसको, महेंद्र वर्मन द्वितीय को मार दिया। फिर आता है यहाँ पे परमेश्वर वर्मन प्रथम, तो विक्रमादित्य की जो फोर्सेस थी, ठीक है, उसको इसने रोक दिया और अच्छी तरीके से रोका। फिर आता है नरसिम्हा वर्मन द्वितीय, ठीक है, इसने ज़्यादा मतलब नहीं था लड़ाई वड़ाई का, टेंपल बनाने के अंदर काफ़ी काम किया। तो पेपर में पूछते हैं कि भाई नरसिम्हा वर्मन ने क्या बनाया, तो जो शौर टेंपल है ममलापुरम के अंदर और कैलाशनाथ टेंपल है कांची के अंदर, वो इसके द्वारा ही बनाया गया था। चाइनीज के अंदर एम्बेसीज इसने एम्बेसडर्स भेजे, उसने कई सारे ट्रेड के ऊपर ध्यान दिया। फिर आता है यहाँ पे परमेश्वरम सेकेंड, ये भी एक दोस्तों पल्लव किंगडम जो है, ठीक है, इसके टाइम पे हार का सामना करना पड़ा है, चालुकास के जो विक्रमादित्य द्वितीय था उसने इसको हरा दिया, ओके, और काफ़ी पुरानी जो ट्रीटी है, काफ़ी ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी है जो कि इसको करनी पड़ी। फिर आता है दोस्तों लास्ट नंदी वर्मन सेकेंड। नंदी वर्मन सेकेंड की बात करें तो पल्लव के अंदर हमने कई सारे लोगों के बारे में जानकारी ली है, मैं वापस से आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ पल्लव के बारे में। सबसे पहले पल्लव जो ये किंग्स है इनके अंदर सबसे पहला कौन आता है, श्री हा विष्णु। फिर उसके बाद आ गया महेंद्र वर्मन, ये शुरू वाले आपको याद रखने, बाद वाले इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो महेंद्र वर्मन प्रथम हो गया, फिर उसके बाद आता है नरसिम्हा वर्मन प्रथम, फिर आता है द्वितीय, जैसे कि महेंद्र वर्मन द्वितीय, यहां पे परमेश्वरम प्रथम, नरसिम्हा द्वितीय, फिर आता है परमेश्वरम सेकंड, और उसके बाद में लास्ट मैंने आपको बताया नंदी वर्मन द्वितीय, ठीक है।
तो क्या होता है, नंदी वर्मन के टाइम पे जो चालुका का रूलर था विक्रमादित्य, उसने वापस से यहाँ पे क्या करा, अटैक किया और पल्लव कैपिटल जो है वापस से हत्या दी। लेकिन उसने क्या किया, ट्रीटी साइन कर ली ताकि मैं आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, ओके, और अपनी सेना को वापस करने के लिए कहा। नंदीवर्मन वापस गया और अपनी सेना को वापस से बहुत बढ़िया किया और उसके बाद में वापस से अटैक किया और फिर चालुका को उसने हरा दिया, ठीक है। लेकिन पांड्यास के द्वारा उसको हार का डिफीट है, हार जो है उसका सामना करना पड़ा। विष्णु का भक्त था, कई सारे टेम्पल को वापस से बनाया इसने, ठीक है, कांची के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, और ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी जो है इसके अलावा, इसके जो पूरा चालुका के जो पूरा एम्पायर था उसके अंदर लास्ट कौन था, आदित्य द्वितीय के द्वारा हराया गया किसको, अपराजिता पल्लव को, ठीक है। नाइन्थ सेंचुरी जब तक आती है ना, नाइन्थ सेंचुरी, तब इनका लास्ट पॉइंट आ जाता है अपराजित पल्लव, जिसको आदित्य चोला के द्वारा हार का सामना करना पड़ा और पल्लव पूरी तरीके से इस दुनिया से उठ जाते हैं, फिर उनका कोई भी अस्तित्व जो है वो नहीं बचता है। इनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें दोस्तों, तो काफ़ी बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन था, क्वार्टर्स में डिवाइडेड था, ऑफिसर बना रखे थे, बढ़िया ट्रेंड आर्मी थी, टेम्पल बनाए कई सारे इन्होंने ब्राह्मण्स के लिए, बाकी लोगों के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जो यहाँ पे इन्होंने खुद की बना रखी थी, ठीक है, यहाँ पे इरिगेशन टैंक इन्होंने काम किया, टैक्सेशन के ऊपर काम किया, गवर्नमेंट के रेवेन्यूज के ऊपर काम किया, ओके, और इस तरीके से ट्रेडर्स आर्टिशंस भी यहाँ पे टैक्सेस है जो कि दिया करते थे। सोसाइटी की बात करें तो काफ़ी बढ़िया सोसाइटी थी, कास्ट सिस्टम काफ़ी रिजिड था, ब्राह्मण्स को काफ़ी हाई प्लेस सोसाइटी में मिली हुई थी, लैंड ग्रैंड जो है वो दिया करते थे राजा महाराजा, ठीक है दोस्तों। पल्लव जो है उन्होंने शिव की जो भक्ति है, विष्णु की जो भक्ति है वो काफ़ी बढ़िया हुई इनके टाइम पे, बुद्धिज्म जैनिज्म जो है वो नीचे की तरफ चला गया। इसके अलावा बात करें, भक्ति मूवमेंट काफ़ी सारे स्टार्ट हुए इनके टाइम के ऊपर, तमिल लैंग्वेज काफ़ी आगे बढ़ गई, ओके, तो ये सारी चीज़ें जो कि इनके टाइम पे होती है। एजुकेशन लिटरेचर की बात करें तो कांची जो है वो काफ़ी बड़ा लर्निंग का सेंटर हुआ करता था, और कदम डायनेस्टी, ठीक है, जो कदम्ब डायनेस्टी है मौर्य वर्मन जो है वो भी इन्हीं के यहाँ पे आके स्टडी किया करते थे। और इसके अलावा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कुछ भी और इम्पोर्टेंट नहीं है, आप ज़्यादा हो जाएगा इसको मत करिएगा। रिलीजन की बात करें तो मैंने आपको बता दिया हिंदू ज़्यादा यहाँ पे हुआ करते थे, शिव की पूजा विष्णु की पूजा जो है यहाँ पे काफ़ी किया करते थे, है ना। तो इसके अलावा तो वैदिक कल्चर भी यहाँ पे था ही था, ठीक है, बाकी कुछ भी आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आर्ट की बात करें तो महिंदा वर्मन प्रथम ने इंट्रोड्यूस किया कई सारे रॉक कट टेम्पल, जैसे कि पल्लवा टेम्पल थे, ठीक है, कई सारे जगह के ऊपर यहाँ पे, और इसके ममलापुरम जो है वहाँ पे कई सारे टेम्पल्स बनाए गए, पांच रथ बनाए गए जिनको पंच पनादव रथ कहते हैं, ठीक है, बाकी तो कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे जो पेज लिखा हुआ है ना, इस तरीके से साउथ इंडिया की हिस्ट्री है। सबसे पहले संगम पीरियड 3 से लेकर 3 AD तक, फिर सतवाहना आते हैं 4 से लेकर 6 AD तक, चालुक्य आते हैं बदामी के 6 से लेकर 8 AD तक, ठीक है, और पल्लव आते हैं कांचीपुरम के 6 से लेकर 9 AD तक, चोला आते हैं तंजावुर के 10 से लेकर 12 AD, फिर विजयनगर किंगडम आता है 12 से 15, फिर शिवाजी और फिर पेशवा, इस तरीके से सारे के सारे आते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो हमने क्या पढ़ा है, संगम पीरियड पढ़ चुके हैं हम, सतवाहन जो है वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम जो है क्या देखेंगे, कल के लेक्चर के अंदर मैं आपको क्या बताऊंगा, चालुक्य के बारे में बताऊंगा जो कि बदामी के थे, ओके, तो चालुक्य हो गए, और ठीक है कांचीपुरम के जो पल्लव हो गए, चोलाज हो गए तंजावुर के, तो इनके बारे में भी हम काफ़ी कुछ है जो कि डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। पल्लव के बारे में तो आज हमने डिस्कस कर ही लिया है, इसके बारे में ये तीन टॉपिक हमारे हो चुके हैं, चालुक्य के बारे में बताऊंगा, चोलास के बारे में बताऊंगा, ठीक है, कल के वीडियो में ये करेंगे और फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में तीन के बारे में पढ़ेंगे और साउथ इंडिया हिस्ट्री को क्या करेंगे, खत्म करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप इसको क्लियर कर सकते हैं, ये मैंने पूरा ऑर्डर में बना दिया है, सबसे पहले संगम पीरियड, फिर उसके बाद में सतवाहन, फिर चालुक्य, फिर पल्लव, फिर चोला हो गए, फिर विजयनगर, शिवाजी, पेशवा, तो संगम हम कर चुके हैं, सतवाहन हम कर चुके हैं, और इसके अलावा पल्लव हम कर चुके हैं, तो चालुक्य जो है और चोला जो है इनके बारे में कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे,
ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का आपका आज का लेक्चर। और मुझे मालूम यार काफ़ी बोरिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन यार एक बार तो पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। आज पढ़ो, कल पढ़ो, परसों पढ़ो, एक बार तो पढ़ना ही पड़ेगा। लोग इसको अवॉइड करते हैं, मैं चाहता नहीं हूँ कि आप अवॉइड करो। कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ जाएंगे, आपसे सॉल्व नहीं होंगे। पढ़ा हुआ होगा तो आप आसानी से निकालोगे, क्योंकि साउथ इंडिया के बड़े आसान से सवाल हैं जो कि पेपर के अंदर आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।